इसी कड़ी में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी ने गृह मंत्री निवास पहुंचकर पौधा भेंट किया। इस अवसर पर ग्रुप ग्रामीण अध्यक्ष संगीता विश्वकर्मा ने कहा कि पर्यावरण बचाना हमारा दायित्व बनता है। हमें चाहिए कि अपने घर के आसपास खाली जगहों पर पेड़ लगाएं और उसे सुरक्षित करें। इसके अलावा हसदेव अरणी में काटे जा रहे पेड़ों को लेकर इन्होंने अपना विरोध जताया। यह हम आपको बता दें कि पेड़ों की कटाई रोकने के लिए वहां के आदिवासी लामबंद हो चुके हैं और लगातार अपना विरोध भी जता रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज पूरा विश्व जो है पर्यावरण को लेकर चिंता कर रहा है, तरीके निकाल रहा है कि किस तरीके से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें, पर्यावरण को हानि से बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकें। आज हम लोग हमारे गृह मंत्री तामजस साहू जी के यहाँ आए हैं, जो ध्रुव ग्रामीण विधानसभा के विधायक भी हैं, और हम उनसे उन्हें एक पेड़ हमने तोहफा दिया है और जानना चाहा है कि राहुल गांधी जी जब चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि हसदेव के जंगलों को हम कटने नहीं देंगे, तो आज आपकी सरकार इस पर इतना बड़ा फैसला क्यों लेकर पूरे पर्यावरण को नुकसान दे रही है और जंगलों को काट रही है। हम ये उनसे बोलना चाह रहे हैं कि आप ये जो नकली चेहरा मुखौटा आपने लगाया, इसको हटाइए। पर्यावरण प्रेमी का जो मुखौटा लगाया है उसको हटाइए और सही मायने में बताइए कि आप पर्यावरण विरोधी हैं, पर्यावरण प्रेमी नहीं हैं। तो आज हम लोगों ने यह आग्रह किया है कि आप अपना रुख स्पष्ट कीजिए और हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए आप पहल कीजिए। यहाँ देखिए सर, हम किसी प्रकार के मुद्दे लेकर नहीं आए थे। आज पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है और इसी संदर्भ में हम लोग आज हम अपने अपने क्षेत्र के सभी 90 विधायकों को एक एक पौधा भेंट कर ये याद दिलाने आए थे कि आप लोग जो पर्यावरण के साथ में प्रदेश की सरकार जो मजाक कर रही है, जो लगभग छोटे बड़े 15 लाख वृक्षों को काटने की अनुमति अरण्य हसदेव के जंगलों में इन्होंने बड़ी ही सहजता से दे दी, हम लोगों ने इन्हें ये संदेश देने आए थे कि आप लोग जो एक पौधा लगाकर जो एक फ़ोटो खिंचाकर आप लोग टीवी में और फेसबुक में या ट्विटर में डालते हैं कि हमने आज वृक्षारोपण किया, हम ये बताना चाहते हैं कि 15 लाख वृक्षों को जो आप काट रहे हैं ये पर्यावरण के साथ आप लोग साथ में ही ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आप लोगों को थोड़ी भी गंभीरता नहीं है कि ऑक्सीजन को लेकर क्या समस्या हो सकती है, मौसम को लेकर क्या समस्या हो सकती है। जो आज आप लोग माहौल देख रहे होंगे यहाँ पे कि गर्मी कितनी तेज़ है, क्या इसमें इन वृक्षों का योगदान नहीं होता? आप एक पेड़ लगाकर आप ये तो दिखाते हैं कि हमने आज वृक्षारोपण कर दिया, आपने 15 लाख पेड़ों को काटने की जो बड़ी सहजता से अनुमति दे दी, कितना ये सही है। इस संदर्भ में हम इनको मंत्री जी को ज्ञापन देने आए थे। हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो हम जितना भी वृक्ष अधिक से अधिक लगा सकें, हमको अपने आसपास के खाली क्षेत्रों में लगाना चाहिए। और हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग, हमने आज के दिन संकल्प लिया है कि 500 वृक्ष हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में, ध्रुव ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में लगाएंगे।